जिला परिषद सिरमौर की त्रैमासिक बैठक नाहन में आयोजित हुई। बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने और विकास कार्यों को लटकाने समेत कई आरोप लगाए। इनका कहना था कि अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में भी विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने भाग लेना जरूरी नहीं समझा है, जिसके चलते अधिकारियों को ना तो समस्याएं पता लग रही हैं और ना ही मुद्दे। लोग सालों से अधर में लटके हुए विकास कार्यों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जिला परिषद की अध्यक्षता सीमा कन्याल ने की। उन्होंने कहा कि यह सच है कि अधिकारियों की लापरवाही बरतने और जिला परिषद के सदस्यों की ना सुनने समेत योजनाओं को अधर में लटकाने के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दर्जन से अधिक अधिकारी नदारद हैं। जिला परिषद अध्यक्षा ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई। आज हमारी जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक थी, जो हमारी समस्या ज्यादातर जो रहती है, मतलब जो लोग हमें बताते होते हैं, यही होती है कि या तो पानी से रिलेटेड होती है, कई कई स्कीमें हमारी बन रही होती है, जैसे लिफ्ट की स्कीम बनी होती है, कोई ग्रेविटी की स्कीम बनी होती है। जैसे लिफ्ट की स्कीम है, कई बहुत लंबे समय से 8-8, 9-9, 10-10 सालों से बनी रही है, तो उसके बारे में हमने चर्चा करी है कि ये जो है काम पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, जिससे कि हमें जवाब भी मिले, पर जो संतुष्टि वाले जवाब है वो नहीं मिल पाए। हम लोग जो है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विभागों की कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। ये कि आपके 8-8, 10-10 सालों से जो है स्कीम बन रही है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। दूसरे मुद्दे होते हैं सड़कों से रिलेटेड है, जैसे अभी बारिश वगैरह हुई थी तो उससे रिलेटेड मुद्दे होते हैं कि जो है सड़कों को जो है जल्द से जल्द खोला जाए, और बहुत ही दिक्कत है। अगर देखा जाए जिला सिरमौर में, अगर देखेंगे हमारी सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। कहीं भी आप ले लो, चाहे पछाद है, चाहे रेणुका है, चाहे आप पोंटा भी ले लो, शिलाई ले लो, सब जगह जो है सड़कों की हालत ठीक नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई उसका जो है जल्द से जल्द जो है समाधान हो। और भी स्वास्थ्य को लेकर जो है इससे संबंधित समस्या होती है, एजुकेशन को लेकर होती है, जैसे स्टाफ नहीं है कई जगह, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो बिजली से संबंधित जो है काफी लोगों को समस्या आती है कि कट वगैरह लगते हैं, या मतलब कई लाइट वगैरह चल जाती है, तो 6-7 दिन जो है ऐसे भी जो है मुद्दे जो है सामने आए थे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सच बात है जो हमारे जिला परिषद के सामान्य मेंबर्स ने बात रखी थी, आप लोग भी सामने थी, कि ये लापरवाही होती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी है ना, जो मुद्दे हमने 2021 में उठाए थे है ना, तो 2021 आज 2024 है, 24 भी खत्म होने वाला है, तो आज तक भी उसका समाधान नहीं हो पाया है। मतलब आपका बहुत कोई बड़ा इशू है तो हम मानते हैं, पर जब छोटे छोटे इश्यूज पे भी काम नहीं होगा तो ये गलत बात है। इस चीजों पे हम लोग सीरियसली हम बात करते होते हैं इस चीज पे, और हम ऐसे भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो, पर पता नहीं कहीं ना कहीं लापरवाही तो विभाग की रहती है, ये मुझे भी ऐसी चीजें मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि काफी अधिकारी थे, मतलब मेरे को लगता है 12-13 तो हमारे नोटिस में आ भी गए थे कि जो नहीं आए हैं, और ये मुझे लगता है कि ये शर्मनाक बात है हमारे लिए भी और अधिकारियों के लिए भी। मतलब आप, हम लोग भी अपना कीमती समय यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं, मतलब आप पूरा दिन हमारी बैठक चलती होती है और अधिकारी यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहे हैं, और ये भी है कि हर बार नोटिस उनको जाते हैं और नोटिस में कोई ना कोई वो बहाना बना देते हैं कि हम इसकी वजह से नहीं आए, इसकी वजह से नहीं, तो ऐसा नहीं होता, हर बार आपके काम नहीं होते। और अगर अधिकारी आया ही नहीं है, मतलब संबंधित अधिकारी नहीं होगा, तो किससे क्वेश्चन आप पूछेंगे? तो वो जो लंबित हमारे जो मुद्दे रह रहे, रीजन ये है क्योंकि उनको आधा तो पता ही नहीं होता कि अब वहां पे बात क्या हो रही है या हमारे से क्या पूछा गया है।